जितना मुश्किल किसी को पाना होता है उससे भी ज़्यादा मुश्किल उसे भुलाना होता है। एक झटका बहुत ज़रूरी था जनाब। इश्क घाटे और मुनाफे का बाजार नहीं है, बल्कि यहाँ खुद के खुशी से ज़्यादा उस इंसान के खुशी का फिक्र करना पड़ता है, समझ गए ना। आज तक कोई ऐसा इंसान मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ जिसे दिल से अपना कह सकूँ। बदल जाते हैं वो लोग भी वक्त की तरह, जिन्हें हद से ज़्यादा वक्त दे दिया जाए। कुछ लोग आते ही हैं हमारे ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ रुलाने के लिए। तन्हाई का एक अलग ही मज़ा है, इसमें डर नहीं होता है किसी के छोड़ के जाने का। जीवन में इतना सबक तो मिल ही गया, फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो मुझे उतना ही समझते हैं जितनी उनमें समझ है। दिलों में खोट है, जुबां से प्यार करते हैं, कुछ लोग दुनिया में यही व्यापार करते हैं। चल जिंदगी अब नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीद दूसरों से की थी वो अब खुद से करते हैं। जब परिवार के लोग अप्रिय लगने लगे और पराए अपने लगने लगे, तो समझ लीजिए कि विनाश का समय शुरू हो चुका है। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपके दिल को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, लेकिन जो सच था वो मैंने कह दिया। अब सवाल ये आता है कि क्या धोखा एक बहुत बड़ा सजा है? नहीं, धोखा बहुत बड़ा सजा नहीं है। धोखा कैसे सजा नहीं है ये आप जान लीजिए। मेरे नज़रों में तो धोखा एक वरदान है। धोखा आपको एक नई जिंदगी देती है। धोखा में वो ताकत है जो आपको अंदर से बदल देता है। धोखा मिलने पर ही तो ये पता चल पाता है कि आपने किस इंसान को अपना मान बैठा था। अगर आपको किसी ने कभी धोखा दिया हो तो शायद आप हर कुछ जानते ही होंगे। वैसे एक बात तो आप भी जानते होंगे कि यदि कोई भी इंसान अंतरात्मा से फैसला लेना तो वो कभी भी गलत फैसला नहीं लेगा। आप खुद सोचिए ना, क्या आप कभी भी गलत करना चाहते हैं तो आपके भीतर से ये आवाज़ नहीं आती है कि तुम गलत कर रहे हो? आती है कि नहीं आती है? आती है ना। तो कोई भी फैसला भीतर से लो और देखो यार, अब आगे बढ़ो, अब ज़िंदगी में कुछ नई शुरुआत करो, कुछ करो। ऐसे बैठे मत रहो और ज़्यादा सोचो मत। सोचने से आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है। कुछ भी अगर मिलता है तो वो सिर्फ करने से। मैं आपको अपना दोस्त मान करके ये आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप किसी भी इंसान के याद में पागल मत होइए, बल्कि खुद के ऊपर फोकस कीजिए, खुद के ज़िंदगी के ऊपर फोकस कीजिए और हमेशा खुश रहिए। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही।